दोस्तों इजिप्ट एक ऐसा देश जहाँ से काफ़ी सारी पुरानी सभ्यताएं निकलकर पूरी दुनिया में फैली हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड्स भी हैं जिनको देखने के लिए लाखों टूरिस्ट यहाँ पर हर साल आते भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें पिछले कुछ सालों की तो वहाँ पर इजिप्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल हो रही है। इजिप्ट दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है, देश में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और दोस्तों सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो देश को चला सके। इसीलिए उन्होंने अपने देश की ज़मीन, होटल, रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी बेचना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ऐसी नौबत क्यों आई, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। दोस्तों जब भी किसी देश में आर्थिक संकट आता है तो सबसे पहले देश की महंगाई सबसे पहले बढ़ती है और दोस्तों महंगाई बढ़ने से सबसे पहला जो असर पड़ता है वो पड़ता है गरीब लोगों पर, क्योंकि गरीब लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि भैया वो किसी भी चीज़ को जो पहले कम रेट पर मिल रही थी अब उसको दुगने रेट पर खरीद सके, क्योंकि उनकी कमाई तो सीमित ही होती है, खर्चे एकदम से डबल हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो गरीब आदमी ही पिसता है। जो अमीर बड़े कारपोरेट घराने होते हैं उनके पास तो काफ़ी सारे पैसे होते हैं तो वो ऑलरेडी महंगी चीज़ों को भी आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो पिसता है वो गरीब आदमी ही पिसता है और इजिप्ट में भी यही देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी अगर इजिप्ट के हालात की बात करें तो इजिप्ट में महंगाई दर लगभग 25% से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो इसीलिए सरकार ने जो बेसिक चीज़ें हैं, दूध, चावल, अंडे, ये जो बेसिक नीड्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और इनके स्टॉक को पूरा रखने के लिए सरकार ने इन पर पाबंदियां भी लगाई हुई हैं कि भैया कोई भी शख्स ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों को नहीं खरीद सकता। किसी भी सुपरमार्केट में 3 कट्टे चावल, 2 लीटर दूध, इस तरह से कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जिससे कि एकदम से लोग काफ़ी सारा स्टॉक ना कर लें। हालांकि इजिप्ट के लिए ये प्रॉब्लम की बात इसलिए भी है क्योंकि इजिप्ट में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो कुछ उगती नहीं है और वो सारी चीज़ें दूसरे देशों से इम्पोर्ट ही करते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है कि इजिप्ट में हमेशा से ऐसे ही था। इजिप्ट में कोविड से पहले की बात करें तो सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल था, लेकिन कोविड के आने के बाद चीज़ें एकदम से बदल गई क्योंकि कोविड आने के बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के बाद इजिप्ट में महंगाई एकदम तेज़ी से बढ़ी। वहाँ पर ना उतने कारोबार थे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इजिप्ट दूसरे देशों से इम्पोर्ट ही करता है। तो वहाँ पर जब कोविड हो गया तो इम्पोर्ट जो चीज़ें वो उतनी देशों से नहीं कर पाया। दूसरी तरफ जब लॉकडाउन खुला तो वही चीज़ें फिर उसको दुगने रेट पर मिली। तो इस तरह से उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो एकदम से खाली होने लगा और उसको भरने के लिए उसको फिर और कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ी। वो बार बार IMF के पास गया कि भैया हमको कर्ज दें। IMF ने भी उसको काफ़ी ज़्यादा कर्ज दिया हुआ है तो ऑलरेडी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। एक तो कर्ज की किस्तें चुकानी है, दूसरा ऊपर से अपने देश को भी चलाना है। तो ये इस तरह से इजिप्ट की हालत अब लगातार ख़राब होती जा रही है। जैसे तैसे इजिप्ट दोबारा से पटरी पर ही लौटने लगा था, फिर शुरू हो गया रूस और यूक्रेन वाला युद्ध। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भैया युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच हुआ है, उसमें इजिप्ट का क्या लेना देना। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि इजिप्ट जितनी भी अपनी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करता है और इजिप्ट में सबसे ज़्यादा अनाज देने वाले देश हैं रूस और यूक्रेन, और रूस और यूक्रेन में ही युद्ध हो गया तो इससे वहाँ की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई और ये दोनों ही देश इजिप्ट को गेहूँ नहीं भेज पाए, जिससे इजिप्ट में खाने का भी अपने आप में संकट खड़ा हो गया, जिससे वहाँ के जो खाने पीने की चीज़ें थी उनके रेट एकदम से डबल हो गए। और फिर इजिप्ट के पड़ोस में ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो गया, उससे भी चीज़ें इजिप्ट के लिए काफ़ी उल्टी होती चली गई क्योंकि इजिप्ट में जो कंपनियां या जो बड़े बिजनेसमैन वहां पर निवेश करने वाले थे अब वो भी पीछे हट गए। तो इस तरह से इजिप्ट के लिए चीज़ें लगातार बदलती चली गई। एक तरफ लॉकडाउन से पहले जहां पर इजिप्शियन पाउंड की कीमत लगभग $1 के मुकाबले £15 थी, आज के समय पर उसकी कीमत $1 के मुकाबले लगभग £31 तक पहुंच चुकी है। और अब इजिप्ट की सरकार IMF और वर्ल्ड बैंक से लगातार कर्ज मांग रही है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए भी लगातार कर्ज देना कोई इतना आसान बात नहीं है। तो इसीलिए अब इजिप्ट की सरकार ने ये फैसला किया है कि क्यों ना अपने देश को चलाने के लिए हम अपने देश से जो बेच सकते हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ज़मीन हो, उसको बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा करें और उस पैसे से फिर अपने देश को चलाएं। इसीलिए इन्होंने अपने काहिरा शहर में एक बड़े होटल को UAE को लगभग $200 मिलियन में बेचा है। इस तरह से ये अपनी चीज़ों को लगातार बेचने की सोच रहे हैं और इन्होंने तुर्की को अपना एक शहर अलेक्जेंड्रा भी बेचने की उसको लीज पर देने की बातचीत चल रही है। उसमें होगा ये कि तुर्की उस अलेक्जेंड्रा शहर में एक बंदरगाह बनाएगा जहाँ से वो चीज़ों का एक्सपोर्ट अफ्रीका तक कर सकेगा, जिससे कि अफ्रीका के ये सीधे टच में आ जाएंगे क्योंकि इजिप्ट के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि भैया वो खुद से इस तरह की चीज़ें कर सके। तो अगर तुर्की
उसके इस शहर को लेकर इस तरह की कुछ व्यापारिक गतिविधियां करता है तो उससे इजिप्ट को भी फायदा होगा। लेकिन भारत और इजिप्ट के काफ़ी अच्छे संबंध हैं और भारत इजिप्ट की काफ़ी हद तक मदद कर भी रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब कोविड आया था तब भारत ने इजिप्ट को काफ़ी सारी वैक्सीन भी मुफ्त में अवेलेबल कराई थी। इस तरह से भारत और इजिप्ट के बीच व्यापार भी काफ़ी बड़ा होता है। अगर बात 2021-22 के साल की करें तो वहाँ पर लगभग 7.26 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ था। भारत इजिप्ट को गेहूँ, चावल, इस तरह की खाने पीने की चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट भारत को कच्चा तेल, मिनरल्स, खनिज, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भारत को देता है। इस तरह से भारत और इजिप्ट के बीच भी काफ़ी अच्छा खासा व्यापार होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही इजिप्ट की मदद कर रहा है। इजिप्ट की मदद करने के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े देश भी आगे आए हैं। लेकिन फिर भी इजिप्ट के हालात कब तक स्थिर हो पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में फिर राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।